हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 12 वोल्ट का चेसर को यूज करके हम लोग 12 वोल्ट के जो सिंगल कलर के एलईडी आते हैं उसे कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। ये जो है हमारा 12 वोल्ट का चेसर सर्किट है जिसमें कि 5 चैनल है। इसमें 3 चैनल वाले भी आते हैं, जैसा इसमें 3 चैनल आप देख पा रहे हैं। 3 चैनल कहने का मतलब कि इसमें जो है 3 चैनल में 3 स्विचिंग होंगे। पहला ऑन होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। 1 2 3 1 2 3। 5 चैनल का मतलब 1 2 3 4 5, ऐसे 5 करके आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं रनिंग में। जितना ज़्यादा चैनल होगा उतना लंबा आपका जो है रनिंग जाएगा, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। ठीक है, और 6 चैनल वाले भी आते हैं, 8 चैनल वाले भी आते हैं, लेकिन बेसिकली 5 चैनल 6 चैनल ही ज़्यादा चलता है। तो अब जो है हम लोग इसे कैसे कनेक्ट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो ये ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इससे जो ये निकला हुआ है कनेक्टर वायर, तो इसमें आपको एलईडी जोड़ने होते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रांजिस्टर में रेजिस्टेंस लगे हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोड पड़ने के कारण ये हीट होता है, जिसके कारण अगर इसमें ये हीट सिंक नहीं लगाएंगे तो ये ख़राब हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एल्युमिनियम का हीट सिंक लगा है ताकि जो है ये ज़्यादा लोड ले सके। अभी मैं इसे 12 वोल्ट देने वाला हूँ, और यहाँ पे देखिए जब भी आप लेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी पतला वायर मिलेगा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वायर मोटा कर लेंगे। ठीक है, ये वायर सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए लगाया जाता है ताकि जो है माल बनने के बाद टेस्ट हो पाए। तो मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पावर सप्लाई है और मैं इसे पावर डाल देता हूँ। तो ये हमारा पावर सप्लाई है, मैं इसे पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, पॉजिटिव निगेटिव कनेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ही आप लाइन डालेंगे तो इसके एलईडी आप देख पा रहे हैं ब्लिंक कर रहे हैं, रनिंग करना चालू कर दिए। यहाँ पे देखिए आपको एक पोटेंशियोमीटर मिलता है जिसके कारण आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है, अब इसमें देखिए स्क्रू ड्राइवर डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे करके देखता हूँ। अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा करना है तो आप इसे घुमा करके स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, उसके बाद इसमें भी दो वैरायटी के सर्किट आते हैं, एक को पॉजिटिव सर्किट बोलते हैं, एक को नेगेटिव सर्किट बोलते हैं। जो पॉजिटिव सर्किट है उसमें आउटपुट में पॉजिटिव 5 वोल्ट आएगा और ग्राउंड से आपको कनेक्ट करने होंगे। तो आप कैसे जानेंगे कि आपका सर्किट पॉजिटिव या निगेटिव, तो इसके लिए एक सीधा सिंपल मेथड है। आपके जो एलईडी हैं, पहले तो ये जो एलईडी आप मार्केट में जब भी खरीदते हैं तो ये इसमें क्या होता है कि आपके जो है, मैं दिखा दूँ, दोनों साइड वायर छिले हुए होते हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या है कि आपका शॉर्ट सर्किट होने का चांस है। तो सबसे पहले एक साइड के वायर को तो कट कर लें, तो मैं एक साइड के वायर को कट कर लेता हूँ। तो मैंने एक साइड के वायर को कट कर लिया है ताकि हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो। उसके बाद क्या करना है, आपको प्लस माइनस डाल करके एलईडी को चेक करना है पावर सप्लाई से डायरेक्ट। तो मैं यहाँ पे एलईडी, ये जो एलईडी है इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, तो इसमें क्या है कि पोलैरिटी प्रोटेक्शन होता है, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे चेसर में लगाएंगे उल्टा प्लस माइनस तो ये चेसर ख़राब हो सकता है, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता अगर आप डायरेक्ट एलईडी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव है, तो एक बार आप क्या करेंगे, जैसे हमारा ये पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव को यहाँ पे रखेंगे और निगेटिव के साथ जोड़ेंगे। तो ये देखिए निगेटिव के साथ ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव सर्किट है, इसका आउटपुट जो है माइनस में आ रहा है। अब जस्ट अपोजिट हम करके देखते हैं, हमारा ये पॉजिटिव निगेटिव था, अब जो है हम पॉजिटिव को यहाँ रखते हैं, निगेटिव के साथ ब्लिंक कर रहे हैं, तो अब देखिए काफ़ी डीम चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो सारे पॉजिटिव को निकाल करके पावर सप्लाई में जोड़ना है और नेगेटिव को स्विचिंग करवाने हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 5 झालर हैं, तो मैं 5ों झालर को एक लाइन से सेट करके
आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 झालर हैं और हमने क्या कैलकुलेट किया कि हमारा पॉजिटिव कॉमन होगा। कॉमन होगा मतलब हमें जो है पॉजिटिव को पावर सप्लाई से जोड़ना पड़ेगा डायरेक्ट, और नेगेटिव जो है यहाँ पे स्विचिंग करवा रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे झालर को आपस में जोड़ लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये रनिंग कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम पहले लाइन कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि सारे एलईडी का कॉमन ले लिया। अब जो हमारा पहला एलईडी है उसका वायर जोड़ना है 1 नंबर से। तो ये हमारा सर्किट है, वायर हमें छोटा पड़ रहा है तो हम नीचे से ले आते हैं। एक नंबर को 1 नंबर से जोड़ दिया, फिर ये हमारा 2 नंबर है, 2 नंबर को भी फिर नीचे से ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 2 नंबर हो गया, फिर ये हमारा है 3 नंबर, ये रहा, फिर आई 4 नंबर की बारी, 4 नंबर कुछ ये रहा। ये रहा हमारा 5 नंबर। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैंने सबको जो आपका पॉजिटिव वाला था एक साथ जोड़ दिया है और नेगेटिव वाला का 1 नंबर 1 नंबर झालर से, 2 नंबर 2 नंबर झालर से। ठीक है, अब जो हम लोग इसे लाइन डाल करके देखते हैं। देखिए हमारा ये सिक्वेंशली ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर आपको इसके आगे भी एलईडी लगाने हैं तो आपको क्या करने होंगे, 5 वायर बिछाने होंगे और सब वायर में सिक्वेंशली 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे लगाने होंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारा स्पीड, मैं इसे बढ़ा देता हूँ। ये फास्टली काफ़ी वो करने लगा और ये फास्ट वाला इफ़ेक्ट्स है, तो आप कैसे भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें 12 वोल्ट का कोई भी एलईडी लगा सकते हैं आप इसमें। इन फ्यूचर कभी आपका ये ख़राब भी हो जाता है तो ये आईसी, और ये आईसी आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल होगा। ये 4017 है और ये 55555, इसको टाइमर आईसी बोलते हैं। तो ये गांव में, विलेज में कहीं भी अवेलेबल होता है ये आईसी। ठीक है, तो बस आपको आईसी खोलते समय ध्यान रखना है डायरेक्शन का और उसे लगाते समय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है। मैं एक्स्ट्रा लाइट को बंद कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला चेसर को यूज कर सकते हैं और आप अपने घर का या कहीं भी आप डेकोरेट कर सकते हैं 12 वोल्ट वाले एलईडी से। तो होप सो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट एलईडी लाइट से रिलेटेड नए नए टेक्नोलॉजी का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, अगर आपका कोई सलाह सुझाव है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैं उस पर काम करूँगा और भी नए नए प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो लाऊँगा। थैंक यू।